म्यूजिक डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं नेशर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा 3D इफेक्ट वाली ग्लोइंग इफेक्ट, जो पिक्चर वाला इफेक्ट जो अभी आपने स्टेटस में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं, अपने फोटो पे इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, ये एडिटिंग हम करेंगे कैपकट एप्लीकेशन की मदद से। तो उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, एक कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, देन दूसरा VPN का यूज़ करना होगा। किसी के भी VPN को ओपन कर लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिक्योर VPN का यूज़ किया है। देन हम इसे कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैपकट एप्लीकेशन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली गूगल न्यू वाला वर्जन जो अभी आया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज भी मिलता है तो आपको इसी तरह से कुछ मिल जाएगा, ये इंडियन कैपकट नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से न्यू अपडेट जो है 4.9.0, यही वाला आपको डाउनलोड करना है। एक ही बार आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एडिटिंग करेंगे स्टार्ट, तो चलिए हम कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, कैपकट एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अगर आपने देखा अभी मैं VPN ओपन करके रखा हूँ, तो VPN आप भी चालू कर लीजिएगा। देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली टैप करना है, और फिर इस साइड में फोटो वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको जितने भी फोटो आप यूज करना चाहते हैं, जो स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो फोटो ले लीजिएगा। तो चलिए मैं तब तक के लिए 3 फोटो यहाँ पे यूज करता हूँ। फ्रेंड्स, अब जो भी फोटो लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बॉडी जो यहाँ पे फोटो में बॉडी जो वो क्लियर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं 4 इमेज ले लिया, देन ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ गया। अभी आपको क्या करना है, इस साइड में स्क्रॉल करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और जिस भी फॉर्मेट में स्टेटस बनाना चाहते हैं उस फॉर्मेट को ले लीजिएगा। तो मैं 916 रख लेता हूँ, देन इमेज पे क्लिक कीजिए, इस तरह से जूम कर लीजिएगा, फिर आगे आइएगा, फिर इस तरह से जितना भी इमेज हो गया सभी को आपको स्क्रीन पर एकदम फिट कर देना है, इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कर दिया। ठीक है, अभी आपको फिट इसे करने के बाद आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे लोगो आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो आ रहा है कैपकट का, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, देन डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये दो बीच पिक के बीच में जो ये ऑप्शन देख सकते हैं व्हाइट वाला, इसके आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यह लोडिंग लेगा, क्योंकि आपका डाटा यहाँ पर लगता है, इसलिए आपको VPN यूज करना होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, यही इस इफेक्ट के साथ ये अच्छे से मैच कर रहा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिएगा, देन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा। इफेक्ट सभी इमेज पे लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे इमेज पे। अब यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट इमेज को क्लिक करना है। क्लिक करने इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो फर्स्ट में आ रहा है पॉपअप एल्बम, तो इसी को हमें यूज करना है। बट अगर आप में एक बार में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, VPN को डिस्कनेक्ट कीजिएगा, फिर से कनेक्ट कीजिएगा, फिर से इसे ओपन कीजिएगा, तो आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो 2-3 बार इसी तरह से कीजिएगा, तो आ जाएगा 100%। तभी आपको क्या करना है, पॉपअप एल्बम जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा जनरेटिंग करेगा, और 99 पे आकर थोड़ा टाइम रुकेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट इसका जो है सो लग चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं 3D में यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से मूव कर रहा है। अब सेकेंड इमेज पे आ जाइएगा, फिर से इस पर भी क्लिक कीजिएगा, इसी तरह से आप जितने भी इमेज लीजिएगा सभी पर क्लिक कीजिएगा, 99 तक बहुत फास्ट जाता है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, फिर इस पर कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 3 इमेज पर तो ये इफेक्ट लगा दिया, अब 4th वाला इमेज पर भी मैं लगा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ और भी इफेक्ट, ग्लो वाला इफेक्ट जो आप देखे थे वो वाला भी इफेक्ट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये 99 पे थोड़ा सा टाइम ले लेता है, देख रहे हैं जैसा कि अभी ले रहा है टाइम यहाँ पे, ये पिक्चर को जो इरेज करता है, इसके बाद 3D में इसे इफेक्ट जो 3D वाला है वो इफेक्ट इसमें लगता है, तो उसी में जनरेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और नेटवर्क भी यहाँ पे लेता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं नेटवर्क वर्क नहीं किया, तो यहाँ पर ये बैक आ गया। तो फिर से हम इसे क्लिक करते हैं, तो इसमें भी इफेक्ट लग चुका है। अब लास्ट वाला इमेज उस पर क्लिक करेंगे और इसे भी इफेक्ट दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इमेज यूज़ किया था, आप जितना इमेज चाहे तो उतना इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे इफेक्ट इसका देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, मस्त लगता है ये इफेक्ट जो इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट तो कंप्लीट हो गया। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ पर जो इफेक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है।
देन बॉडी इफेक्ट यहाँ पे, तो इसमें बॉडी इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, आपको वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो हम यूज़ करेंगे ऑरा वाला, ठीक है, ये वाला जो देख सकते हैं ऑरा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग होगा, इसके बाद देख सकते हैं इफेक्ट लग चुका है बॉडी पे, यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। अभी आपको इसे राइट क्लिक कर लेना है और ये वाला जो है इसे आपको स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लेना है, जितना टाइम का आपका स्टेटस बना रहा है उतना टाइम कर लीजिएगा पूरा, सभी इमेज पे इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जाइए, यहाँ से बैक आइएगा, अब यहाँ पे ऑडियो आपको लगा, तो यहाँ पे ऐड ऑडियो का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। अब चाहे तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर सकते हैं, तो किसी भी वीडियो से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप साउंड लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से साउंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फॉर्मेट फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आप जो भी साउंड यहाँ पर लेना चाहते हो उसे सिंपली ले लीजिए। तो चलिए मैं तब तक के लिए इसी वाले साउंड को ले लेता हूँ, देन आगे की तरफ आएंगे, जितने टाइम का स्टेटस हमारा बन रहा है उतना पे आ जाएंगे और सिंपली ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसे स्प्लिट करेंगे, नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो फिर हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका, प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटस बनकर तैयार हो चुका, आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप सिंपली ऊपर जो ये वाला ऐड देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने बाद ये काफ़ी फास्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आपका स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा और काफ़ी क्रिएटिव काफ़ी अट्रैक्टिव स्टेटस वीडियो है, जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा। अब यहाँ पे डन कर देंगे, तो फिर से स्टेटस बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा, और इसी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे एक को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो लेकर आओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।